हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको आज दिखाने वाला हूँ मैं लॉयड का एक सीरीज है, बहुत ही अच्छा मॉडल है, बेसिक है, रेट भी ठीक ठाक है उसके, और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, जाली है बैक साइड में या नहीं है, जो चीज़ें एक रिव्यू हो जाता है, फर्स्ट टाइम देख लेंगे आप, उसके बाद परचेस करने जाएँ तो कम से कम ये रहता है क्या क्या चीज़ें साथ में, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको रहती है। और एक बात, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आपको दिखाता हूँ लॉयड का फ्रीज। देखिए फर्स्ट ये आप देखिए, सामने से लॉयड का फ्रीज है, ब्लू कलर में प्लेन है। प्लेन में क्या होता है कि रेट भी आपको कम मतलब रहता है, उसका रेट भी कम मिलेगा। वन स्टार में है, 209 यूनिट पर ईयर बिजली का खर्चा है इसमें, और ये 2024 का ही मॉडल है, 23 और 24 का। 188 लीटर में है, 10 ईयर वारंटी है इसमें कंप्रेसर की, और स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, स्टेबलाइज़र नहीं लगाना पड़ेगा बिना स्टेबलाइज़र के। आजकल सारे फ्रीज आ रहे हैं लगभग जो बिना स्टेबलाइज़र के ही चल रहे हैं। अंदर से आपको दिखाता हूँ, उससे पहले ये देख लीजिए, लॉक भी है इसमें, लॉक कर सकते हैं फ्रीज को। और जो बेसिक रहता है मॉडल 180 लीटर, 188 लीटर, 195 लीटर, वो लगभग सेम है। तो अंदर से दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें और कैसा है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि सब में ये जो ट्रे आती है, ये सब शीशे की आ रही हैं, आजकल जाली वाली नहीं आ रही हैं। और जाली वालों में ये भी प्रॉब्लम होती थी कि 8 साल 6 साल के बाद वो पानी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से उनमें जंग लग जाती थी, गलने लगती हैं। आप भी पुराने फ्रीज़ों में देखी होंगी आपने, तो ये शीशे की एक तो मज़बूत शीशा है, आप निकालेंगे नहीं तो कभी टूटने वाला नहीं है, इसके ऊपर कितना भी वेट रख दें। लेकिन अगर आप बाहर निकाला और आँख गिर गया या टूट गया तो अलग चीज़ है, बाकी अंदर लगा हुआ कभी नहीं टूटेगा। ऊपर फ्रीज़र की बात करूँ तो फ्रीज़र भी काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा हो, फ्रीज़र काफ़ी बड़ा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये कंट्रोल हो गया, आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर को, ठीक है, मानसून का, सर्दी का और गर्मी का यहाँ पे दिया हुआ है कि किस टेम्परेचर पे रखना है। इधर ये भी ज़रूर पढ़ा करें, कई बार लोग नहीं पढ़ते हैं, चाकू वगैरह से बर्फ़ नहीं निकालनी होती है, चम्मच या किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना होता है, ये डीफ्रोस्ट के लिए है। कभी बहुत ज़्यादा इसमें बर्फ़ जम जाती है तब आप इसको प्रेस करेंगे तो डीफ्रोस्ट हो जाएगा, और ऑटोमेटिक जब पिघल जाएगा बर्फ़ तो ऑटोमेटिक चल जाएगा। जस्ट इसके नीचे चिलिंग ट्रे है, चिलिंग ट्रे भी ठीक है, स्पेस इसमें भी मिल रहा है, आप रख सकते हैं बोतल वगैरह, लेकिन कोई भी सामान ऐसा ना रखें जो गिरे, और गिर के पानी, क्योंकि बैक साइड में ड्रेन होता है इसका जब डिफ्रोस्ट करते हैं, तो फिर पानी यहाँ पे होल होता है वो बंद हो जाता है, अगर जैसे कुछ मलाई या कुछ गिर गया है इसके अंदर तो यहाँ नीचे ये आपका बंद हो जाएगा, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। वैसे खोलने के लिए सिर्फ उसमें कुछ डालना होता है, सिंक वगैरह, उससे निकल जाता है। दो इसमें ये रैक हो गई अंदर वाली, जस्ट इसके नीचे आपको वेजिटेबल ट्रे मिल रही है। यहाँ इसमें भी कंट्रोल है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने वेजिटेबल रखे हुए हैं या क्या नाम सब्जी वगैरह रखी हुई है या फल रखे हैं, फ्रूट्स रखे हैं, तो उसके हिसाब से ये एडजस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं आपके डोर पे, डोर में ये सबसे ऊपर फर्स्ट रैक दी हुई है पूरी, फिर नीचे नींबू या हल्की फुल्की सब्जियां रखने के लिए, और ये लंबी बोतल रखने के लिए, जस्ट इसके नीचे जो ट्रे है इसके अंदर, और उसके नीचे जो लास्ट वाली होती है वो भी इसमें दी हुई है। इसके अंदर आपको वो मिल जाएगी आइस क्यूब ट्रे, आइस क्यूब जमाने के लिए, तो ट्रे भी है, लॉक की की रखी हुई है, मैनुअल है, ठीक है। सॉरी दोस्त, देख लीजिए, अच्छा लग रहा है, प्लेन ब्लू मॉडल। ओके दोस्तों,